अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहरियार अगेन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बाइसेक्शन मेथड को एनालाइज किया था और इसमें कुछ हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखी थी और इसमें कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं है, साइन चेंज हो रहा है नहीं है। और इस वीडियो में हम दोबारा से वही करने जा रहे हैं, मगर इसमें कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं और कुछ डिफरेंट चीज़ें, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ताकि हम आगे मज़ीद जब प्रॉब्लम्स की सॉल्व करें तो हमें कोई मसला ना हो। तो हम चलते हैं आगे अपनी इस वीडियो की तरफ कि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है, बाइसेक्शन मेथड यूज़ किया जाता है उसके किसी फंक्शन के रूट को फाइंड आउट करने के लिए, जिससे हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसके लिए काम करते हैं ताकि हमें उस फंक्शन के रूट मिल जाए, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि हमने देखा था पिछली वीडियो में, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं बाइसेक्शन के लिए और एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और हम यहाँ पर एक इनिशियल बाउंड लेते हैं जिसको कहते हैं एक्स एल या लोअर बाउंड, और एक ले लेते हैं अपर बाउंड एक्स यू, और ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा ये। और हमारा जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा टारगेटेड पॉइंट ये है तो हमें इसकी तरफ जाना है, और हमें इसकी शर्त क्या होती है बाइसेक्शन मेथड के रूल फॉलो करने के लिए, एक इनिशियल बाउंड ऐसा हो कि फंक्शन को वो नेगेटिव कर दे और एक पॉजिटिव कर दे। तो हमने यहाँ पर देखा बिल्कुल यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर एक नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, और हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि बाइसेक्शन मेथड के लिए फंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूस एंड रियल, उसके साथ साथ हमारे पास ये साइन भी चेंज होने चाहिए, तभी बाइसेक्शन मेथड के रूल्स अप्लाई होते हैं, वरना यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हम आगे देखते हैं, और एक और बात, बाइसेक्शन मेथड का एक और नाम होता है बाइसेक्शन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी सर्च मेथड, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो बाइनरी सर्च मेथड सॉल्व प्रॉब्लम फॉर बाइनरी सर्च मेथड, तो आप यही इसे ही कहते हैं बाइनरी सर्च मेथड बाइसेक्शन मेथड को। अच्छा, तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं जो फंक्शन को चेंज करे, और हमारा जो आंसर होता है, जो हमारा रूट लाई कर रहा होता है, उन दो पॉइंट्स के बीच में लाया कर रहा होता है। जैसे कि हमने देखा था कि ये एक ब्रैकेटिंग मेथड है, मतलब अगर हम ये दो पॉइंट्स ले लें तो हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है बाइसेक्शन मेथड का, ताकि हम एरर इसी के अंदर ही रख सकते हैं, एरर इससे बाहर नहीं जाएगा। और बाइसेक्शन मेथड में क्या रूल होता है, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स is real and continuous, then if function f of x l and function f of x u should be less than zero, मतलब अगर जब हम यहाँ पर एक पॉइंट इनिशियल बाउंड ले रहे हैं, लोअर बाउंड ले रहे हैं, या अगर एक अपर बाउंड ले रहे हैं, तो जब हम उस बाउंड्स को फंक्शन में रखें तो उसका जो प्रोडक्ट हो वो लेस देन ज़ीरो आना चाहिए। मतलब कैसे, अगर एक तो बाइसेक्शन मेथड यही कहता है एक पॉइंट हमारे पास नेगेटिव आए एक पॉजिटिव आए, ऑब्वियसली प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा और वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। और उसके बाद देन there is at least, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, at least one root lie between xl and xu,
ये मेन पॉइंट इसलिए है कि कुछ फंक्शंस में हमारे पास एक से ज़्यादा भी रूट्स लाई कर रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं कि या तो बाइसेक्शन मेथड गलत हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहता है एटलीस्ट वन रूट लाई बिटवीन दीज इनिशियल दीज बाउंड लोअर एंड अपर बाउंड, ठीक है। और अच्छा, तो अब हम यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दो बाउंड्स मिल सकते हैं या दो रूट्स मिल जाएंगे। सॉरी, अगर हम एक ग्राफ बनाएं इस तरह से, अगर एक फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, और ये फंक्शन कुछ इस तरह का है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा हो, और हम यहाँ पर एक इनिशियल बाउंड ले लेते हैं यहाँ पर एक्स एल और एक सॉरी लोअर एंड एक अपर बाउंड, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने रूट्स मिले। पहले तो देखना हमें कि फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूस है या नहीं है। बिल्कुल है, यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है। और यहाँ पर हमें क्या देखना है कि यहाँ पर ये इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड को फंक्शन में रखने से क्या फंक्शन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहा है। साइन देख लें, साइन क्या है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर तो पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पर भी पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर मतलब ये फंक्शन का मसला है, बाइसेक्शन मेथड का मसला नहीं है, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड का रूल ही है ये कि फंक्शन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर दो रूट्स मिल रहा है। जैसे कि हमने बताया कि इसने कहा था, पीछे ये देखा था हमने, यहाँ पर एटलीस्ट वन रूट, एक कम अज कम एक रूट आता है, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, वो कुछ इस तरह से दिखता हो। अच्छा, अब हम यहाँ पर इस ग्राफ में एक लोअर बाउंड ले लेते हैं यहाँ पर एक्स एल, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर अपर बाउंड एक्स यू। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या फंक्शन यहाँ पर साइन क्या है। फंक्शन का साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन का साइन क्या है, नेगेटिव है। और फंक्शन क्या कंटिन्यूस है या नहीं है, बिल्कुल है। मैं यहीं पर लगा रहा हूँ टेक, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है और ये साइन भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड का जो रूल है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, मतलब ये फंक्शन यहाँ पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और हमारे पास कितने रूट्स आने चाहिए, 1, 2 एंड 3। और अगेन इसने कहा था कि एक से ज़्यादा भी रूट्स आ सकते हैं, सो वी डोंट नीड टू बी वरी अबाउट, क्योंकि यहाँ पर 3 रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक ग्राफ देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन हमें ग्राफ दे रहा है कुछ इस तरह का, पॉसिबली हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक ले लेते हैं यहाँ पर लोअर बाउंड और एक ले लेते हैं यहाँ पर अपर बाउंड। तो यहाँ पर हमें क्या देखना, सबसे पहले तो क्या यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, बिल्कुल, ये नेगेटिव साइन दे रहा है लोअर एक्सिस पर है और ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, साइन तो बिल्कुल ठीक है, मगर क्या ये कंटिन्यूस है। ये लाइन तो चलती हुई लाइन तो चलती हुई, मगर इसका ग्राफ बिल्कुल भी कंटिन्यूस नहीं बन रहा फंक्शन, क्योंकि दोनों ग्राफ यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूस नहीं है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि यहाँ पर ये हमें सब देखना होता है इनके कि जो रूल्स जो है, क्या वो फंक्शन लेस देन ज़ीरो दे रहा है
का फंक्शन में हम इनिशियल अपर एंड लोअर बाउंड्स पुट करते हैं, क्या वो लेस देन जीरो दे रहा है? अगर दे रहा है तो बिल्कुल ये ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, या फंक्शन रियल एंड कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हमने सारे एग्जाम्पल्स देखे, यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस था, यहाँ पर भी कंटिन्यूस था, मगर यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्राफ ब्रेक हो रहा था। और एक और क्या कंडीशन है, यहाँ पर साइन यहाँ पर क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए, मगर यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या साइन चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है ये अच्छा। और यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है मगर यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। तो आपने यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखी, तो इसमें डिफरेंट बहुत तरह के फंक्शंस आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पहले एनालाइज करना होगा कि क्या यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड अप्लाई हो सकता है या नहीं। सो अब हमने यहाँ पर काफ़ी एनालाइज कर लिया कि बहुत सारी चीज़ें देख ली कि किस तरह से इसके मेथड्स क्या होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे इसके एल्गोरिथम की तरफ कि इसका एल्गोरिथम क्या होता है और किस तरह से एल्गोरिथम है, इसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं तो हम इसे किस तरह से अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपके पास लिंक आ रही होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और इसमें हम इस वीडियो में इस पोर्शन में बाइसेक्शन के पोर्शन में हम सिर्फ एनालाइज नहीं करेंगे बल्कि इसके बाद एल्गोरिथम करेंगे। दैन हमारे पास डिफरेंट वे होते हैं इसको सॉल्व करने के, इसके प्रॉब्लम को सिर्फ एक तरीका नहीं है। तो हम कुछ जो भी तरीके हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दो या तीन तरीके। एंड देन आई ट्राई टू डू ऑन एक्सेल एज़ वेल कि हम इसे एक्सेल में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो टेक केयर फॉर नाउ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई Instagram and Facebook as well, and please subscribe to my channel. Bye for now.